हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरडी कुकिंग मैं हूं पूनम और आज बना रहे हैं विंटर स्पेशल तिल की मिठाई तिल से बनी हुई मिठाई और इसमें लेफ्ट वो घी का मैंने यूज़ किया है कोई खोया यूज़ नहीं किया है बहुत ज़्यादा टेस्टी मिठाई है आप इसको ज़रूर बनाएं और इंजॉय कीजिए इस ठंड में तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी कि मैंने कैसे बनाया है या मैंने पैन लिया है जिसमें डाल दे रही हूँ एक कप भर के तिल है ये सफ़ेद वाले तिल हैं जिसको हमें भुनना है धीमी आंच पे जिस दो मिनट मिनट हम इसको रोस्ट कर लेंगे रोस्ट किए हुए तिल का फ्लेवर एकदम बढ़ जाता है तो इसको रोस्ट करके हम बनाएंगे तो आप देख सकते हो ये तड़ 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 हो रहा है मतलब अच्छे से सिक रहे हैं ये तो बस अच्छे से सिक जाए तिल तो क्या करेंगे गैस को ऑफ़ कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे तो मैंने इसको पीस ले रही हूँ चलिए आगे की प्रोसेस करते थे हाँ मैंने लिया है लेफ्ट ओव घी तो हाफ कप भर के लेफ्ट ओव घी है जब हम घी बनाते हैं शुद्ध घी घर पे मलाई मक्खन मक्खन निकालते हैं उसका घी बनाते हैं तो घी बनने के बाद जो नीचे बच जाता है ना उसकी मैं बात करी वो है लेफ़्ट ओव घी बिल्कुल मावे जैसा ही टेस्ट होता है आप यहाँ पे इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हो बाहर से लिया हुआ तो मैंने ये लगभग हाफ कप लिया है और इसमें डाल दे रही हूँ मिल्क पाउडर लगभग फोर्टी ग्राम से मिल्क पाउडर है लगभग चार बड़े चम्मच भर के और इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर पीसी हुई जो हाफ कप मैंने शक्कर लिया था उसको मिक्सी में डाल के पीस लिया था तो हाफ कप भर के शक्कर का है और बस इसे हमें थोड़ा सा भुनना है तो लेप्टोवी हो गया मिल्क पाउडर हो गया और शक्कर हो गया इसको हमें भुनना है इसी पैटर्न से आप बनाइए मिठाई एकदम नया पैटर्न है और बहुत अच्छी आपको मिठाई लगेगी खाने में इस तरह की मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी आप ज़रूर इसको ट्राई करें और लेफ्ट ओवर घी को कभी भी फें फेंक के नहीं मतलब आप इसको यूज़ कीजिए या थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची का मिठाई में अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए तो बस थोड़ा थोड़ा भून लिया है मैंने इसको कलर इसका अच्छा चेंज हो चुका है तो जो हमने तिल पीस के रखे थे ना अभी इसमें वो ऐड कर लेंगे जो हाँ तिल मैंने अच्छे से इसको पीस लिया था और इसमें डाल दूंगी अब इसको फिर से हमें भुनना है बहुत अच्छे से मिक्स करना है तो फटाफट मिठाई बन भी जाती है जस्ट थोड़ा सा भूनते जाना है भूनते जाना है हमको सबको अच्छी अच्छे से मतलब मिक्स करना है इसमें थोड़ा सा मैं घी ऐड कर लेती हूँ एक बड़े चम्मच जितना और बहुत अच्छे से इसको हम मिला लेंगे मिठाई को घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें बस थोड़ा सा घी लगता है इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है मिठाई बनाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मिठाई है तो ज़रूर इसे ट्राई करें तो यहाँ पे मैं डाल एकदम गरम गरम आधा कप भर के दूध का तो हाफ कप मैंने दूध लिया था जिसको मैंने बहुत अच्छे से गरम कर लिया बॉईल किया और यहाँ पे मैं गरम गरम दूध इसमें ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है यहाँ पे हम लास्ट में दूध डाल रहे हैं शक्कर हमने पहले ही डाल ली थी तो इस तरह से मिठाई बनाई एकदम नया तरीका है बनाने का मिठाई इस तरीके से बनाए आपको बहुत पसंद आएगी आपने कभी इस तरह की मिठाई कभी खाई नहीं होगी एकदम न्यू पैटर्न है मिठाई का तो ज़रूर इसको ट्राई करें बहुत बहुत ज़्यादा आसान है बनाना घर पर ये तिल की मिठाई जो कि विंटर स्पेशल है ठंड में तिल बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए तो तिल आ, तिल अलग अलग तरीके से हम खाते हैं बट इस तरह की मिठाई आपने पहली बार देखी होगी और इस तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए ठंड में और बना कर रखिए घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी ये मिठाई तो आप देख रहे हो मैं भूनती जा रही हूँ कंटिन्यूस और ये एकदम से गाढ़ा हो चुका है हमारा मिठाई का जो टेक्सचर है मतलब एकदम गाढ़ा वो फॉर्म हो गया है तो बढ़िया से इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं इसको हम चाहे तो पैन में ही आप रख लीजिए क्योंकि पैन अभी गर्म है तो थाली में या तो शिफ्ट करके रखिए तो थोड़ा इसको हमें ठंडा करना है ठंडा करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है यहाँ पर तो ठंडा जब हो जाए उसके बाद आप इस तरह से पन्नी फैला दीजिए एक प्लेट पे और उस पर थोड़े से तिल सेके हुए तो जो हमने पहले भुने थे ना उसमें से दो तीन चम्मच आप निकाल लीजिए तिल का या तो फिर से थोड़े से आप भुन कर यूज़ कर सकते हो और ये जो मिठाई ठंडी हो गई ना इसको हम इस पर पन्नी पे फैला देंगे तो इस तरह से आप पन्नी ही लीजिए तो पन्नी से ईजी काम होगा आप आगे आगे देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ ये मिठाई बहुत आसान है और दिखने में बहुत अच्छी लगती है ये मिठाई तो मैंने पूरी जो मिठाई का जो घोल था मतलब मसाला जो हमारा है उसको मैंने अच्छे से फैला दिया है और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पिस्ता कटे हुए तो पिस्ता को मैंने एकदम थोड़ा सा कूट लिया था आप चाहे तो यहाँ पे बादाम काजू जो आपको पसंद हो वो आप लगाइए मैंने यहाँ पे सिर्फ पिस्ता लगाया तो पिस्ते को अच्छे से मैं फैला दे रही हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से फैलाना है ड्राई फ्रूट ज़रूर यूज़ कीजिए दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं इस मिठाई में पिस्ता फैलाना हो चुका है मेरा इसके ऊपर मैं थोड़े से फिर से सेके हुए तिल डाल दे रही हूँ तो ये जो सेके हुए तिल है ना इनका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो ब्राउन मिठाई उसके ऊपर ग्रीन पिस्ता और फिर ये वाइट वाइट जो क्रीम से हमारे जो तिल है तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे तिल फैला दिए हैं अब क्या करेंगे पॉलीथीन को अच्छे से फोल्ड करेंगे इसको हमें रोल करना है तो ऐसे तो ये रोल हो नहीं पाएगा क्योंकि सॉफ्ट है मिठाई तो इसलिए पॉलीथीन का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है आप चाहे तो फ्रेश रैप भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर बट फ्रेश की फटने का चांस रहता है पॉलीथीन पौ, तो फटेगी नहीं तो इसलिए मैं अच्छे से इसको रोल कर रही हूँ इसी तरह आपको रोल करना है बहुत आसान है और इसका रोल मैंने रेडी कर लिया थोड़ा सा ओपन करके मैं क्या कर रही हूँ इस पर तिल और चिपका दे रही हूँ जो नीचे तरफ है ना उस उसमें बहुत अच्छे से तिल चिपका दे रही हूँ तो दिखने में जो हमारी मिठाई है ना बहुत अच्छी लगेगी तो तिल अच्छे से मैंने चिपका लिए और इसको क्या करेंगे रैप करके रख देंगे फ्रीज़र में लगभग पंद्रह बीस मिनट या आधा घंटा आप छोड़ दीजिए तो अच्छे से जो मिठाई हमारी सेट हो जाए उसके बाद हम इसको काटेंगे तो जितना ज़्यादा टाइम आप फ्रिज में रखोगे फ्रीज़र में आपको रखना है इसे तो मैंने लगभग बीस मिनट इसको फ्रीज़र में रखा था अब मैं इसको खोल रही हूँ ये थोड़ी बहुत अच्छे से सेट हो से चुकी है और ज़्यादा देर आप इसको रखोगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी मिठाई तो चलिए इसको काटते हैं तो बहुत अच्छे से इसके पीसेस भी कट जाते हैं और इस तरह मतलब काटेंगे तो एकदम दिखने में अच्छी लगेगी ऐसा लगेगा जैसे बाहर से ले आए हो मिठाई और लगी गई नहीं कि घर पे इतनी अच्छी मिठाई बनाई है तो लग रही ना एकदम बढ़िया शेप भी बहुत अच्छा आया है इसका तो इस तरीके से आप बनाइए मिठाई थोड़ा सा मैं इसको सजाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर लगा ले रही हूँ इसके ऊपर चांदी वर्क जो है ना वो लगा ले रही हूँ तो दिखने में थोड़ी और अच्छी लगेगी हमारी मिठाई ब्राउन कलर की मिठाई वाइट व्हाइट तिल लगे हुए ग्रीन पिस्ता डले हुए और ऊपर से चांदी का वर्क किया हुआ तो लग रही ना एकदम बाहर से ली हुई मिठाई बाहर भी आपको इतनी टेस्टी मिठाई नहीं मिलेगी तो घर पर आप इंजॉय कीजिए बनाइए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट इस प्यारी इस मिठाई के लिए तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज आर् कुकिंग पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए और ये मिठाई इस ठंड में आप इंजॉय करें घर वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आपने ये घर पर है इतनी बहुत टेस्टी है Thanks for watching Jai Shri Ganesh Wahiguru.